हेलो स्टूडेंट, आई एम सूरज फ्रॉम वाराणसी। बोर्ड एग्ज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मैंने समय के अनुसार आपके कोर्स प्रारंभ कर दिया है। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जो वीडियो आपको दूँ उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। वेलकम स्टूडेंट, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं एक नया चैप्टर, ठीक है, जो कि चैप्टर 6 है और ये इंग्लिश पोइट्री पढ़ाया जा रहा है, आपको पता है। ठीक, तो ये चैप्टर 6 है जिसका नाम क्या है, ला बेले डेमसेंस मर्सी। यह कविता जॉन किट्स द्वारा कंपोज की गई है। ठीक है, तो इस कविता के पहले हमने 5 चैप्टर पूरी तरह से तरीके से कंप्लीट कर दिया है। अगर आप उसकी वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख लें, ठीक है, फिर इसके बाद इस चैप्टर को स्टार्ट करें। ठीक है, चलिए अब हम ज्यादा बात नहीं करते हैं और वीडियो के आगे बढ़ते हैं। देखते हैं कि ला बेले डेमसेंस मर्सी, इसका इस चैप्टर का अर्थ क्या है। पहले तो इसमें अर्थ है अ मर्सीलेस लेडी, एक दयाहीन स्त्री की कहानी है इसमें। तो इस कहानी को स्टार्ट करने से पहले हम आपको कुछ बताना चाहेंगे कि इसमें जो शस्त्रों से सुसज्जित कौन है, योद्धा है, उनको धोखा मिल जाता है। किससे? वह दयाहीन स्त्री से। ठीक, एक दयाहीन स्त्री से इनको धोखा मिल जाता है। तो उन्हीं के बारे में, शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम इस पोयम को आगे पढ़ाते हुए देखते हैं कि क्या होता है इसमें, कैसे होता है, और आपको सब बिल्कुल डिटेल्स में बताएंगे। ठीक है, चलिए तो इसका हम एक एक स्टेंजा आपको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ने से पहले हम आपको इतना बता देना चाहें कि जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, ताकि वो अपनी एक अच्छी तैयारी कर सके। ठीक है, यहाँ पे सारे सब्जेक्ट चलाए जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, सब अपने टाइम पे चलाए जाते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहला स्टेंजा क्या है उसको क्लियर करते हैं। तो चलिए देखते हैं, चलिए तो देखिए आपके सामने ये पहला स्टेंजा इस प्रकार है। पहले इसको स्टडी करते हैं उसके बाद इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए क्या है इसमें। ओ वाट Can all the knight at arms alone and palely loitering, ठीक है, the sage has withered from the lake, ठीक, आगे दिया है, and no birds sings, ठीक है। तो अब हम इसके एक्सप्लेनेशन करने जा रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा वीडियो। तो देखिए पहले इसमें क्या बोला जा रहा है, पहले हम इसके कंटेक्स्ट को बता देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है कवि, ठीक, अर्थात जो जॉन कीट्स हैं वो सूरवीर योद्धा, ठीक है, सूरवीर योद्धा से पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं कि वह इतना उदास मन से इस खराब मौसम में इतना क्यों भटक रहे हैं। ठीक है, तो इसमें कवि पूछते हैं उस शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा से। चलिए तो हम भी कुछ पूछ लेते हैं उनसे। चलिए देखिए, व्हाट, ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स, ठीक है, ओ मतलब ओ, व्हाट कैन एल दी, ठीक है, दी मतलब तुम्हें, ठीक है, एल मतलब क्या होता है, परेशान, ठीक है, तुम इतना क्यों परेशान हो, तुम्हें क्या परेशानी है, अर्थात अपने भाषा में कहे तो तुम्हें क्या कष्ट है। ठीक, ओ व्हाट कैन एल दी, तुम इतना कष्ट, तुम्हें क्या कष्ट है। ये किससे पूछ रही है, नाइट एट आर्म्स, नाइट कौन है, जो इसमें महावीर योद्धा है अर्थात शस्त्रों से सुसज्जित सरदार, तो उन्हीं को कहा जा रहा है कि हे शस्त्रों से सुसज्जित सरदार तुम इतना परेशान क्यों हो, इतने कष्ट से क्यों हो। ठीक है, कौन पूछ रहा है, यह पूछ रहे हैं आपके जॉन किट्स जी, किससे पूछ रहे हैं, उस सूरवीर योद्धा
अर्थात शस्त्रों से सुसज्जित सरदार से पूछ रहे हैं कि हे शस्त्रों से सुसज्जित सरदार, तुम इतना परेशान क्यों हो। ठीक है, देखिए आगे क्या दूसरा लाइन, एलॉन एंड पैलेली लॉयटरिंग। एलॉन मतलब होता है अकेले, ठीक है, पैलेली मतलब होता है पीला पड़ जाना, मतलब रंग उड़ने का मतलब होता है पीला पड़ जाना, रंग उड़ जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि अकेले और पीले मन से लॉयटरिंग, लॉयटरिंग मतलब भटकना, ठीक है, तो तुम अकेले इस सुनसान जगह पर जो पीले पड़ गए हो, ठीक है, पीले पड़ने का मतलब कि उनका रंग पीला नहीं हो गया है, पीले पड़ने का मतलब कि उनका रंग उड़ गया है, उनके चेहरे का रंग उड़ गया है, ठीक है, लॉयटरिंग मतलब भटक रहे हो, तुम इस तरह से कहां भटक रहे हो। ठीक है, तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, जैसे आप बहुत हंस रहे हैं, ठीक है, अगर आपको कोई दो थप्पड़ मार दे या फिर कुछ बोल दे तो आपको क्या हो जाता है, कष्ट हो जाता है, ऐसा लगता है कि आपके चेहरे पर उदासी छा जाती है। ठीक, जैसे इनको जो लेडी है, जो स्त्री है, वह क्या दे दी, इनको धोखा दे दी है, तो उनके चेहरे का रंग क्या है, उड़ गया, एकदम पीला पड़ गया है। तो वही बात यहाँ पे बताई जा रही है कि एलॉन मतलब अकेले और रंग उड़ गया है चेहरे का, उसी कहा जाए पीले पड़ गए हो, तो इस तरह तुम कहाँ भटक रहे हो। ये कौन पूछ रहा है, यह पूछ रहे हैं जॉन किट्स सूरवीर योद्धा से। क्लियर है, चलिए अगर क्लियर है तो लाइक कमेंट अपना जारी रखें और बताते रहें हमको, हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला लाइन, द सेज। सेज मतलब क्या होता है, सेज मतलब होता है झाड़ी, ठीक, झाड़ी, हैज वेदर्ड फ्रॉम द लेक। ठीक है, वेदर्ड मतलब क्या होता है, चलिए वेदर्ड मतलब होता है मुरझाया हुआ। ठीक, फ्रॉम मतलब से, द लेक, लेक मतलब क्या होता है, लेक मतलब होता है तालाब के किनारे। ठीक है, कहने का मतलब कि जो तालाब के किनारे जो झाड़ियां हैं, ठीक, सेज मतलब झाड़ियां, कि जो झाड़ियां हैं तालाब के किनारे की जो झाड़ियां हैं वह क्या हैं, मुरझा चुकी हैं। ठीक है, जो तालाब के किनारे की झाड़ियां हैं, हैज वेदर्ड, क्या है, वेदर्ड मतलब मुरझा चुकी हैं, सुखा चुकी हैं। ठीक है, और देखिए, एंड और नो बर्ड सिंग्स, और कोई पक्षी गा नहीं रही है, मतलब गुनगुना नहीं रहे, कोई पक्षी अब चहचहा नहीं रही है, गा नहीं रही है। तो चलिए एक बार फिर से हम इसको रिमाइंड करते हैं और आपको एकदम क्लियर कर देते हैं अर्थ। ठीक है, चलिए देखिए, तो इस स्टेंजा में कवि किससे पूछ रहे हैं, कवि जॉन किट्स पूछ रहे हैं सूरवीर योद्धा से कि हे शस्त्रों से सुसज्जित सरदार, पहले लाइन को देखिए, ओ व्हाट कैन आई एल दी नाइट एट आर्म्स। ठीक है, हे शस्त्रों से सुसज्जित सरदार, तुम इतने परेशान क्यों हो। ठीक है, आगे देखिए, एलॉन एंड पैलेली लॉयटरिंग, तुम अकेले इस सुनसान जगह पर और पीले मन से, पीले पड़ गए अर्थात पीले मन से, कहां भटक रहे हो। और क्या है इसमें, अभी प्रश्न कर रहे हैं, कौन प्रश्न कर रहा है, कवि प्रश्न कर रहे हैं किससे, सूरवीर योद्धा से। द सेज, ठीक, द सेज मतलब झाड़ियां जो मुरझा चुकी हैं, किसके, तालाब के किनारे की जो झाड़ियां हैं वह मुरझा चुकी हैं, और नो बर्ड सिंग्स, और कोई पक्षी भी गा नहीं रहा है, फिर भी तुम यहां अकेले और पीले मन से कहां भटक रहे हो। ठीक, और इतने परेशान क्यों हो, ये प्रश्न पूछा जा रहा है जॉन किट्स द्वारा सूरवीर योद्धा से। क्लियर है, चलिए तो अब हम चलते हैं दूसरे स्टेंजा में। ठीक है, देखते हैं दूसरे स्टेंजा क्या है, वहां पे कुछ क्लियर करते हैं। ठीक है, चलिए तो चलिए अब दूसरा स्टेंजा हम समझते हैं, देखते हैं दूसरे स्टेंजा में क्या है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं, दूसरे स्टेंजा में बोला जा रहा है, ओ व्हाट कैन एल दी, ठीक, नाइट एट आर्म्स सो हैगर्ड, ठीक है, हैगर्ड एंड सो वो बिगन। ठीक, द स्क्वायरल्स ग्रेनरी इज फुल, और नीचे क्या लिखा है, एंड द हार्वेस्ट डन। क्लियर है, चलिए तो अब हम इसके अर्थ को बताते हैं। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है, ओ व्हाट कैन एल दी, कि तुम्हें क्या कष्ट है, नाइट एट आर्म्स, हे शस्त्रों से सुसज्जित सरदार। तो पूरा अर्थ क्या हो जाएगा इसका, हे शस्त्रों से सुसज्जित सरदार, ठीक है, तुम्हें क्या कष्ट है, व्हाट कैन एल दी, एल मतलब कष्ट,
दी मतलब तुम्हें, व्हाट मतलब क्या, ठीक है। तो तुम्हें क्या कष्ट है, कौन पूछ रहा है, जॉन किट्स पूछ रहे हैं उस महा किससे पूछ रहे हैं, सूरवीर योद्धा से पूछ रहे हैं कि तुम्हें क्या कष्ट है, ठीक। तो ए सस्तो से सुजी सरदार तुम्हें क्या कष्ट है। नीचे देखिए, सो हैगर्ड एंड सो ओ बिगन, और क्या कह रहा है, सो हैगर्ड, सो हैगर्ड मतलब इतना अस्त, हैगर्ड मतलब होता है अस्त व्यस्त, ठीक है, इतना अस्त व्यस्त क्यों हो, एंड और सो ओ विगन, ओ विगन मतलब होता है, ओ विगन मतलब होता है दुखी मन, ठीक है, क्या होता है, दुखी। तो बोल रहा है इसमें, इस संज्ञा में कवि पूछ रहे हैं सूरवीर योद्धा से कि हे शस्त्रों से सुसज्जित सरदार, इतने परेशान क्यों हो, मतलब इतना कष्ट, इतने कष्ट से क्यों पीड़ित हो, उनके कष्ट के बारे में पूछे कि इतना परेशान क्यों हो, सो हैगर्ड और इतना अस्त व्यस्त क्यों हो, एंड सो वो विगन और इतना क्या है, दुखी क्यों हो, ठीक है। चलिए तो तीसरे लाइन चलते हैं, द स्क्वायरल्स ग्रेनरी इज फुल। अब देखिए, द स्क्वायरल, स्क्वायरल्स मतलब क्या होता है, गिलहरी, स्क्वायरल्स लग गया तो गिलहरी का, ठीक है। ग्रेनरी मतलब गोदाम, इज मतलब है, फुल मतलब पूर्ण रूप से भरा, भर गया, ठीक है। तो जो गिलहरी का गोदाम है वह क्या है, वह पूरी पूर्ण रूप से भर गया है, ठीक। तो कहने मतलब चूंकि जो गिलहरी का गोदाम है वो पूर्ण रूप से भरा हुआ है, एंड और द हार्वेस्ट फसल, ठीक, एंड द हार्वेस्ट डन, तो क्या है, जो फसल है वह तैयार हो चुके हैं, डन मतलब हो चुका है, ठीक है, जो फसल है वह क्या है, पक चुके हैं अर्थात कट चुके हैं, हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं, ठीक है। तो इसमें कहने का मतलब है कि पूछ रहे हैं जॉन किट्स जी कि हे शस्त्रों से सुसज्जित सरदार, तुम इतना कष्ट क्यों झेल रहे हो, इतने परेशान क्यों हो, ठीक है, सो हैगर्ड और इतना अस्त व्यस्त क्यों हो और इतना ज्यादा दुखी क्यों हो, द स्क्वायरल, जबकि गिलहरी का गोदाम पूरा भरा हुआ है और फसल पक चुका है, ठीक है, जो फसल आप खेतों में है वो क्या है, पक चुका है, फिर तुम्हें क्या कष्ट है, ठीक है। तो शस्त्रों से इतना पूछ रहे हैं, चलिए देखते हैं, अभी तो चुपचाप खड़े हैं, देखते हैं जवाब कब देते हैं, ये कौन देता जवाब, शस्त्रों से सुसज्जित जो सरदार है, जो योद्धा है, देखते हैं वो जॉन किट्स का कब जवाब देते हैं, ठीक है। चलिए तो इस प्रकार हम तीसरे स्टेंजा को देखते हैं, ठीक है, चलिए देखिए तीसरा स्टेंजा क्या है, इसको समझ लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी स्टेंजा मिस मत करिएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए इस स्टेंजा में क्या कहा जा रहा है, आई सी अ लिली ऑन थाई ब्रो विथ एंग्विश मोस्ट एंड फीवर ड्यू एंड ऑन थाई चिक्स अ फेडिंग रोज फास्ट विदर्ड, ठीक है, टू। चलिए अब हम इसको पढ़ चुके हैं, अब हम क्या करेंगे, अब इसके लाइन बाय लाइन को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, पहले बोल रहा है, कौन बोल रहा है, कवि अर्थात जॉन किट्स जी कह रहे हैं, आई सी, मैं देख रहा हूं अ लिली, एक कुमुदनी का पुष्प, ऑन थाई ब्रो, तुम्हारे माथे पर, तुम्हारे माथे पर मैं क्या देख रहा हूं, एक कुमुदनी का पुष्प देख रहा हूं, क्लियर है। इस कुमुदनी के पुष्प को देखने का मतलब क्या है, आगे देखिए अभी बता रहे हैं आपको, विथ मतलब के साथ, एंग्विश मतलब मानसिक वेदना, जो दिमाग पर आपके कष्ट होता है, वेदना होती, कष्ट होती है, उन्हें कह रहा है कि मानसिक वेदना, मोइस्ट मतलब नमी, नमी मतलब नम, एंड और फीवर मतलब बुखार, ड्यू मतलब ओस होता है, लेकिन यहां मतलब रखेंगे पसीने से, ठीक है। तो इसको समझिए, आई सी अ लिली ऑन थाई ब्रो, ठीक है, कि मैं देख रहा हूं तुम्हारे माथे पर, क्या मैं तुम्हारे माथे पर कुमुदनी के पुष्प को देख रहा हूं, विथ एंग्विश, जो कि मानसिक वेदना से, ठीक है, जो कि मानसिक वेदना से और बुखार से, क्या है, गीली पड़ गई है, गीली दिखाई दे रही है,
गीला मतलब भीगा हुआ प्रतीत हो रहा है, ठीक, कि मैं जो तुम्हारे माथे पर एक कुमुदिनी का पुष्प देख रहा हूँ वह क्या है, जो कि मानसिक वेदना से और बुखार के क्या है, गीली हो गई है, ठीक है, मतलब भीग पड़ा, भीग चुका है। आगे देखिए, एंड और ऑन थाई चिक्स, और तुम्हारे ऑन मतलब पर, थाई मतलब तुम्हारे, चिक्स मतलब गाल पर, अ फेडिंग रोज, अ मतलब एक, फेडिंग मतलब मुरझाया हुआ, रोज मतलब गुलाब, ठीक है, और तुम्हारे इन गुलाबी गालों का जो गाल हैं, ठीक है, गाल हैं इनके गुलाबी रंग क्या है, उड़ गए हैं अब, तो क्या हो गया है अब, मुरझाए हुए गुलाब, ठीक है, फास्ट विदर्ड टू, जो कि तेजी से क्या है, मुरझा गए हैं। तो इसमें कहने का मतलब कि मैं तुम्हारे गालों पर एक मुरझाता हुआ गुलाब देख रहा हूं, जो कि फास्ट विदरिंग टू, जो कि बहुत तेजी से मुरझा रहा है। समझ में आ रहा है, चलिए एक बार हम इसको फिर से क्लियर कर देते हैं, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें बोल जा रहा है कि आई सी अ लिली ऑन थाई ब्रो, कि मैं तुम्हारे मस्तक अर्थात माथे पर एक कुमुदिनी का पुष्प देख रहा हूं। कौन बोल रहा है, जॉन किट्स बोल रहे हैं उस योद्धा से, ठीक, विथ एंग्री स्मॉस्ट एंड फीवर ड्यू, जो कि मानसिक वेदना और कष्ट के कारण क्या है, फीवर से गीली पड़ गई है, ठीक है, बुखार से गीली पड़ गई है। आगे देखिए, एंड ऑन थाई चिक्स अ फैडी रोज, और जो तुम्हारे गाल हैं वो क्या है, जो तुम्हारे गाल हैं वो रोज फेडिंग, रोज जो एंड योर, जो तुम्हारे गाल हैं उस पर एक मुरझाया हुआ गुलाब हम देख रहे हैं। कौन कह रहा है, जॉन किट्स कह रहे हैं, फास्ट विदर टू, जो कि तेजी से मुरझा रहा है, ठीक है। तो ये स्टेंजा क्लियर हो गया आपको, समझ में आया, चलिए। तो अगर ये तीनों स्टेंजा आपको समझ में आ गया तो आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको जरूर बताएं, ठीक है, आपको कैसा लगा। इसके आगे बहुत सारी स्टेंजा भी बाकी हैं, तो आप कमेंट फटाफट एकदम अच्छे से करिए ताकि हमारा उत्साह बढ़े और हम आपको एक एक स्टेंजा, एक एक लाइन एकदम इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें कि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इस तीन स्टेंजा में क्या बताया हमने, जितनी भी बातें बताया, इसमें जॉन किट्स जो कवि हैं वह सूरवीर योद्धा से प्रश्न पूछ रहे थे, ठीक है। और हम अगले वीडियो में आपको लेकर आएंगे जब वो शस्त्रों से सुसज्जित सरदार जो सूरवीर योद्धा है वो क्या करेगा, वो इनकी प्रश्नों का जवाब देगा, ठीक है। तब तक के लिए वेट करिए और हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। तो ये तीन स्टेंजा अगर आपको समझ में आया होगा तो आप कमेंट अच्छे से करिएगा और आपको हम जल्द से जल्द इसके वीडियो अपलोड कर देंगे और आप अच्छे से स्टडी कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।